हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारे पास ये आप देख ही रहे हो कि समर अभी आने वाला है और बहुत सी जगह पे टेम्परेचर भी बहुत हाई हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो एक इस समर में हेल्पफुल कुछ गैजेट्स को लेके एक वीडियो बनाते हैं और उसके रिगार्डिंग मेरे पास आज पांचों प्रोडक्ट्स आया है जो इस समर के पर्पस में हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और ये प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी मज़ेदार है, शायद आप लोगों को देखने के बाद पसंद भी आए, आप लोग खरीदना भी चाहेंगे। तो खरीदने के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे होंगे, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है और किस तरह का ये काम में आता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी यूजफुल काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करें। तो दोस्तों हमारे पास आज पहला जो प्रोडक्ट्स है, पहले खोल के देख लेते हैं क्या है, बताते हैं। दोस्तों ये मैंने एक्चुअली एक समझ के ऑर्डर किया था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चारों प्रोडक्ट आया है, जिसमें से मैं एक ही ओपन करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो पहले इसके पैकिंग को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर में क्या है। दोस्तों ये है एलोवेरा जेल का बना हुआ एक आई मास्क, जो इस तरीके का होता है। इसमें जेल को भी है जो आपके हेड के हिसाब से फिट होता है। इसके अंदर में एलोवेरा है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये आप लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसे फिक्स करेंगे तो ये बहुत कूल हो जाता है। और उसके बाद इसके आँख में इसको आप आँख में ऐसे करके डाल सकते हैं और ये आपका जो बिल्कुल है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आँखों में अच्छे से फिट हो गया। और इसमें ये गर्मी में क्या है कि हम लोगों के आँखों में बहुत सारे ट्रिस आता है या गर्मी आता है, तो उसमें ये आपका काम में आएगा, जिससे ये आपके आँखों में थोड़ा कूल लगेगा क्योंकि आप लोग इसको ऑब्वियसली फ्रीज कर लेंगे। तो ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये काफ़ी आपके आँखों को हेल्प करेगा। इसको ठंडा करके देखेंगे ये कितना यूजफुल है। और आप लोग भी इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये है अपना पहला प्रोडक्ट। दोस्तों हम लोग का दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है, तो सारे प्रोडक्ट को मैं ये वीडियो में ही ओपन कर रहा हूँ, पता नहीं इसके अंदर क्या है नहीं है। तो पहले खोल के देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ ये है एक मिनी पोर्टेबल फैन, जो आपकी यूएसबी कनेक्टर भी इसमें मिलेगा शायद, देख लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। ये मिला पहला, इसका एक स्टैंड जिसमें आप इस चीज़ को स्टैंड करके रख सकते हैं। और मिला एक यूएसबी माइक्रो यूएसबी चार्जर और साथ में ये फैन, इसमें आप बैटरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये तो इसमें बैटरी इनबिल्ट है, मतलब जो आपका लगा हुआ है आप इसमें सिर्फ आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करने के बाद आप लोग जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका फैन चालू हो गया। इसका हवा उतना तेज़ नहीं है, लेकिन जनरली आप अपने फेस के सामने रखेंगे तो काफ़ी मज़ेदार होगा। और इसको स्टैंड करने के लिए आपका ऐसा स्टैंड भी आ जाता है, इसको आप चाहे तो हाथ में भी होल्ड कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे स्टैंड में रख के भी इसके हवा का मज़ा ले सकते हैं। गर्मी में बहुत सी जगह पे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा काम आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज कितना है वो दिखाने के लिए यहाँ पर आपका इंडिकेटर भी है। यहाँ पे इस साइड में आपका है चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पे आप ये आप इसको लगा के भी चार्ज कर सकते हैं और घर में रहे हुए जितने भी आपका माइक्रो यूएसबी चार्जर है उससे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें 3 मोड आता है, जैसे मैंने एक बार प्रेस किया था तो थोड़ा स्लो चल रहा था, अभी ये थोड़ा स्पीड इसका बढ़ गया और जैसे इसको और एक बार दबाया
पे और तेज से चलने लगा। अभी ज़्यादा हवा आ रहा है और ये इसका कोई रोटेशन वगैरह तो होता नहीं है, अपने टेबल पे स्टैंड करके इसको रख सकते हैं जिससे आपका ये हवा देता रहेगा और इसमें हवा काफ़ी इनफ है। तो इसको हम लोग जैसे ही और एक बार दबा देंगे तो ये बंद हो जाता है। और इसमें मज़ेदार तो यही है कि आपको इसमें बैटरी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसमें इसको चार्जर से चार्ज करो और हवा का मजा लेते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये भी क्या है मुझे पता नहीं, पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें जो लिखा हुआ है वो देख के आप समझ पाएंगे कि क्या है। वेयरेबल पोर्टेबल फैन, जब गर्मी है तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा हवा का ही मिस करते हैं, उसमें हवा को ही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं आज दो दो प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों का फैन के ऊपर ही लाया हूँ। ये भी जो है ये भी एक फैन है, ये आपका जो है हैंड फ्री पोर्टेबल नेक फैन है जो इस तरह के पैकिंग में आते हैं। ये भी सेम टाइप के माइक्रो यूएसबी चार्जर है। पहले इसको खोल के देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें भी एक बैटरी लगा हुआ आता है इनबिल्ट, आपको इसमें बैटरी अलग से लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ इसको अपने जो चार्जर है उसे चार्ज करेंगे और इसके हवा का मज़ा लेते रहेंगे। अभी इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका एक स्विच आता है जिसको दबाने से ये फैन ऑन होगा जो मैं आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है जिसमें आप चार्जर को कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है ये आपका 360 रोटेटेबल है, मतलब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहन के दिखाता हूँ, ये आपके यहाँ पे ऐसे आएगा। आप चाहो तो इसको इस टाइप से सेट करो या ऐसे सेट करो, जैसे भी मन हो आप इसको सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद यहाँ पे इसका फैन का जो नॉब है वो है। दोस्तों काफ़ी तेज़ हवा है, मतलब आप अगर इस चीज़ को परचेस करते हैं तो आपको मतलब ये वर्थ लगेगा क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा दे रहा है। और उसमें आप चाहो तो अपने डायरेक्शन को चेंज करके अपने मुंह की तरफ कर सकते हो, एक चाहो तो अपने छाती की तरफ कर सकते हो जिससे ये आपके चेस्ट को भी थोड़ा बहुत हवा देता रहेगा। और इसमें भी सेम ही है, ये आप देख पा रहे हैं इसमें भी सेम ही है। इसमें भी तीन मोड आता है, जैसे मैंने पहली बार प्रेस किया तो ये थोड़ा स्लो घूम रहा है, सेकेंड बार प्रेस किया ये और तेज़ी से घूम रहा है, और जैसे ही मैंने थर्ड टाइम प्रेस किया काफ़ी तेज़ हवा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे करके आप इसका डायरेक्शन को किसी भी तरफ चेंज कर सकते हो। इसका हवा काफ़ी तेज है, आप इसमें देख सकते हो पाओगे। ये देखिए काफ़ी तेज़ हवा है दोस्तों। ये अपने प्राइस के हिसाब से मुझे वर्थ लगा, ये आपका अंडर 500 मिल जाता है और ये मस्त है। मतलब आप इसको चार्ज करो, यहाँ पे आप कैरी मतलब हाथ में जो मैंने पहला प्रोडक्ट दिखाया था फैन का, वैसा अगर कुछ नहीं रखना है तो ये आपने बस शोल्डर पे रख दो। जनरली अभी लोग नेक बैंड भी यूज़ करते हैं इसी टाइप के, तो नेक बैंड टाइप की है, मतलब नेक पे आप इसको चला के रखो, जब मन हुआ अपने फेस की तरफ कर दो तो हवा अपना देता रहेगा। और काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है, मैं तो दिन भर इसी को लेके बैठा रहूँगा भले एसी चले या ना चले, बहुत मज़ेदार है और इसका हवा भी बहुत तेज़ है। तो ये है दोस्तों अपना थर्ड प्रोडक्ट। दोस्तों अपना फोर्थ प्रोडक्ट, इसमें भी क्या है मैं पहले ओपन करके देख लेता हूँ। दोस्तों इस नाइफ को तो आप लोग जानते होंगे, मैंने ये भी अपने जो प्रोडक्ट वाला वीडियो है उसमें रिवील किया था। ये काफ़ी यूजफुल गैजेट है, आप लोग चाहो तो मेरा वीडियो है मैं लिंक इस आई बटन में छोड़ दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि ये कितना काम आता है और क्या इसका पर्पस है। ये बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है और इसका ब्लेड का जो शार्पनेस है ना वो काफ़ी तेज है। दोस्तों ये कुछ इस तरह के पैकिंग में आते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। ये भी मुझे बहुत यूजफुल लगा,
इसलिए मैंने ऑर्डर किया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है, अभी तक तो लग रहा है मज़ेदार है, पता नहीं है कितना दिन चलेगा और क्या इसका लॉन्गेविटी है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने जिस पर्पज़ के लिए लिया था वो मेरा शायद सॉल्व हो जाए। ये है आपका स्टेनलेस स्टील का इंसुलेटेड ये थर्मल बॉटल है, इसके अंदर मिल जाता है ये खाने वाला जेल गलती से भी खा मत लेना, और ये आपका इंसुलेटेड है और इसमें आप चाहो तो ठंडे पानी को भी रख सकते हो, चाहो तो गर्म पानी को भी इसमें रख सकते हो, और इसमें इस टाइप का जाली टाइप का है जिसमें आप इसमें अगर टी वगैरह रखते हो तो ये छाप के बाहर आ सकता है, नहीं जैसा है इसको पकड़ निकालने के लिए ऐसा एक हैंडल भी इसमें दिया हुआ है, और इसको आप इसमें डाल दीजिएगा ऐसा करके, और उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो इसको बाद में देख लेंगे। सबसे मज़ेदार चीज़ यही है इसमें, इसका आपका कोई चार्जर वगैरह नहीं है, इसमें बैटरी यूज़ करना पड़ता है, और ये जो है ये आपका एक थर्मल बॉटल है जिसमें आप इसका जो टेम्परेचर है इसके अंदर में जो भी मटेरियल रहेगा मतलब जो भी पानी आप चाहो तो हॉट वाटर रखो या कोल्ड वाटर रखो, जो भी आप रखोगे वो इसमें आपका डिस्प्ले में शो होता रहेगा, मतलब उसके अंदर में जो जो भी चीज़ है उसका टेम्परेचर क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आखिरी और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारा लास्ट प्रोडक्ट, और ये मुझे अभी पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है, फिर भी मैं आप लोगों को ओपन करने के बाद ही बता पाऊँ। तो दोस्तों ये है अपना आइसक्रीम मेकर जो काफ़ी मस्त है, और हम लोगों को भी पता है कि गर्मी में आइस का वैल्यू कितना है, तो ये हम लोग जैसे ट्रे में रख के आइस बनाते हैं उस टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या है आप इसके अंदर में जो जगह स्पेस है यहाँ पे आप अपना बोतल या कुछ भी चीज़ हो जो आप इसमें रख सकते हैं और वो काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके काफ़ी छोटे छोटे होल्स हैं, जब आप इसको फिल करेंगे आइस के लिए तो यहाँ से आपको पानी डालना पड़ेगा, तो पानी डालेंगे उसके बाद इसको फ्रीज करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी ये छोटे छोटे बॉल्स है यहाँ पे आपके आइस बन के रेडी होगा, और उसके बाद आप चाहो तो इसको निकाल के इसमें इसको ऐसे करके दबाने से इसमें जितने भी आइस है वो सब बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं इसमें लेके। तो ये है दोस्तों इसका यूज, इसका यूटिलिटीज, और जितने भी प्रोडक्ट्स बताए मैंने वो सारे के सारे आपके समर में काफ़ी यूजफुल होंगे, और शायद आप लोगों को अच्छा भी लगे होंगे। आप लोग अगर इसको ख़रीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स का बाई लिंक है, आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हो। दोस्तों यही था हम लोगों का प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी 5 प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाना था मैंने दिखाया, और ये काफ़ी यूजफुल है। आप लोग चाहो तो इसको मेरे बाई लिंक से सारे प्रोडक्ट का डिटेल है वहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो जैसे ही मैं डालता हूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यही था दोस्तों हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में, तो मिलते हैं फिर से नए और एक वीडियो में जिसमें इसी तरह के कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाएंगे आप लोगों को। तो टिल देन बाय।